हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। कैसे हैं आप सब? देखिए, फिर से हम एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं आपके लिए NTPC CFD 2 का, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम जो आपका जून में है, CFD 2 लेवल और 2, 3, 5 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट ऑफ स्तूपा। देखिए, जो स्क्वायर रेलिंग होती है किसके स्तूप के ऊपर मंदिर रूप है, तो उसे क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, हर्मिका, क्या कहते हैं? हर्मिका। इस तरह के क्वेश्चन भी जो आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, रेलवे कहीं से भी उठा के कुछ भी दे सकता है, आजकल GK का कुछ भरोसा नहीं है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-मेंबर कमेटी टू रिव्यू द क्राइटेरिया फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द EWS कैटेगरी। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो आपकी कैटेगरी होती है, उसे क्राइटेरिया के लिए एक कमेटी बिठाई गई। तो उस कमेटी को हेड कौन करेंगे बताइए? अजय भूषण पांडे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का रहा होगा। द हरप्पन साइट ऑफ धोलवीर। देखिए, जो धोलवीर की जो आपकी साइट है, हरप्पन साइट, ये आप किस स्टेट में? गुजरात में है। तो ये जो आपका GK का सेशन है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली, और हर तरीके की इसमें हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, करंट भी है आपकी, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं विच कंट्री वॉन द डेविस कप 2021। देखिए, डेविस कप 2021 किसने जीता है? ये आपका रशिया ने जीता है। विच प्लांट हैव लीफी प्लांट बॉडीज टू हैव नो वास्कुलर सिस्टम। किन पौधों में पत्तेदार पौधे का शरीर होता है और उनमें कोई वाहिका तंत्र नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, बायरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, जेरोफाइट्स किन्हें कहते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद कोल्ड वाटर रिजल्टिंग इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्षार धातु ठंडे जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। देखिए, होम्योपैथी के फाउंडर किसे कहा जाता है? सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। देखिए, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम हाल फिलहाल में लॉन्च करी गई, कहाँ पे? उत्तराखंड में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है। देखिए, इस तरह के छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट। देखिए, स्नो लेपर्ड जो आपका स्टेट एनिमल ऑफ किस स्टेट का, किस राज्य का है राज्य जानवर? यदि आपका हिमाचल प्रदेश का है। टूटीकोरिन पोर्ट देखिए किस स्टेट में है? आपका तमिलनाडु में है। द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ FCCI हैज़ बीन अपॉइंटेड। देखिए, FCCI की न्यू प्रेजिडेंट किसे चुना गया? आपका संजीव मेहता जी को चुना गया है। इन विच ऑर्गन प्रोटीन इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन किस अंग में पूर्ण रूप से पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है। ह्यूमन राइट डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? देखिए, 10 दिसंबर को। और इस बार की थीम क्या थी? 2021 की थीम देख लेना, एक बार 2020 की देख लेना, बस पढ़ पढ़ के चले जाना, ऊपर से खुद अंदाज़ा लगा लोगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है वो। कंटेस्टेड लैंड नेम बुक इज़ रिटन बाय। देखिए, कंटेस्टेड लैंड किसने लिखी है किताब? ये मरूफ राजा ने लिखी है। द वेटलैंड ऑफ वेस्ट मुंडी। देखिए, हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी रहा वेटलैंड। ठीक है, टोटल वेटलैंड कितने हैं ये भी देखिएगा। वेस्ट मुंडी इज़ लोकेटेड इन केरला, अप्रॉक्सीमेटली 48 या 49 के आसपास है, आप देख लीजिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हु हैज़ बीन अवॉइडेड एज ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड 2021 में किसे दिया गया है? कुमार मंगलम को दिया गया है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे आपके? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। शेख सबा अल खलेद अल सबा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। शेख सबा खाली याद रख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ भी अल सबा है। विच बुक वॉज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, कौन सी किताब लिखी थी आपकी? लिखी सत्यार्थ प्रकाश। कौन से? सत्यार्थ प्रकाश। देखिए, ईरान की करेंसी कौन सी है? रियाल। तो हमारे से लेटेस्ट करेंसी है। रुपये किस साल लॉन्च किया गया था? रुपये आपका 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, पटकाई बम रेंज इज सिचुएटेड एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री ऑफ इंडिया इन विच कंट्री। देखिए, पटकाई बम जो आपकी रेंज है, ये आपकी कहाँ पे? इंडिया और म्यांमार के बीच में है, बाउंड्री में है। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के कहाँ पे? बाउंड्री में है। WTO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा में। स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। आलू याटू इज़ अ फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट। देखिए, किस स्टेट से है आलू याटू? नागालैंड से है। कहाँ से है? नागालैंड से है। क्लोरोफ्लेकी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। देखिए, ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है किसको? हरित शैवाल को, मतलब हाँ, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी।
विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए माइनॉरिटीज़ के लिए जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल 29 है। वॉट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ वायर नेटवर्क, एथरनेट पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उगाड़ी इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए जो उगाड़ी है ये कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, आंध्र प्रदेश का है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ वाइड इंपॉर्टेंस इन सोलर सेल, एलिमेंट हैज़ वाइड इंपॉर्टेंस। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था मॉक टेस्ट में ग्रेड अप के, तो इसका सही आंसर क्या है, सेरेनियम। विच स्टेट हैज रिटेन द टॉप स्पॉट इन 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्केल रिपोर्ट 2022। देखिए इन एडिशन ऑफ इंडियन स्केल रिपोर्ट में जैसे किसने टॉप किया है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ने टॉप किया है। देखिए 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, ये दामोदर मौजो को मिला है, ठीक है, पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपका। कोंकणी राइटर है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ वॉन सीनियर नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप, किसने जीती है, मणिपुर ने। वॉट इज़ द बेसिक SI यूनिट ऑफ थर्मोडाइनिक टेम्परेचर, केल्विन, केल्विन, ठीक है, सेल्सियस बताइए आपको, एक सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 73। लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ इंडिया कौन है आपके, जवाहरलाल नेहरू। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, सब आपके फायदे के ही हैं, और अगर जो आपको 10 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन हो रहे तो मेरे हिसाब से कुछ बुरे नहीं है, कहीं भी आपको यूट्यूब में ऐसे नहीं मिलेगा, वो डिटेल के नाम पे 50 मिनट की वीडियो बना देंगे 50 क्वेश्चन पे, मेरे हिसाब से इससे बढ़िया ना बना दें, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जब जितने कम डेज रहते हैं आपका सिर्फ क्या कहते हैं रिविजन मेन रहना चाहिए। मैन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वॉज इनेक्टेड बाई द वाइस रॉय। देखिए 1909 का जो आपका एक्ट था वो किसने किया था, जिसको क्या लॉर्ड मिंटो ने करा था, ठीक है, इसे मोरले मिंटो वो एक्ट भी कहा जाता है। सर सीवी रमन रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1934 इज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। देखिए सीवी रमन को कब मिला था बताइए, नोबल मिलता है 1930 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और किस फील्ड के लिए मिलता है, मतलब फिजिक्स के किस फील्ड में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अमरकंटक रिवर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए टोटल कितने तरह के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा है, रेडियल है। ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का, ये रेडियल है। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट कौन थे आपके, HC मुखर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 21A है, ठीक है, 21 मत कर लेना, खाली 21 बताए कौन सा है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, देखिए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कौन सा आपका, गोदावरी है, बहुत अच्छे। किताबुल हिंद किसने लिखी है, ये रिटर्न होगा यहाँ पे, किसने लिखी है, ये आपकी अलबरूनी ने लिखी है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, नेफ्रॉन, ये सबको पता ही होगा। देखिए जो आपके क्षेत्रीय फेमस साइट है ये किस चीज़ के लिए, देखिए कॉपर माइन है यहाँ पे, और कहाँ पे आई है ये भी पूछा सकता है, राजस्थान में। भगमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी आर्मी न्यूज़ में भी रही है 2021 में, तो काफ़ी न्यूज़पेपर में पूछी गई थी 2 दिन बाद। भगमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी कहाँ पे आपकी, मेघालय में, कहाँ पे, मेघालय में। प्लानिंग कमीशन वो सेटअप, देखिए प्लानिंग कमीशन कब सेटअप की गई थी आपकी, 1950 में। फाइनेंस कमीशन कब सेटअप गई थी आपकी, 1951 में। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1950 में। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, राज्यसभा कब हुआ था, लोकसभा कब हुआ था, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन हेल्ड, देखिए कब हुई थी, 1931 में हुई थी। द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसे माना जाता है, एक सेकेंड, द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कौन है, देखिए आपके कौन थे, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन स्टेट दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, देखिए आर्टिकल 63 में कहा गया है, ठीक है। लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लक्ष्य सेन न्यूज़ में भी रहते हैं क्योंकि काफ़ी ट्रॉफीज़ वगैरह जीते हैं, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ हमारे पर 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, अगर जो आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए जितना ज़्यादा रिवीजन हो उतना बेस्ट है, और भाई ऐसा पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस जीके के पूछे जा रहे थे, तो आपसे डायरेक्ट CA करंट अफेयर तो नहीं पूछेगा, सिर्फ ऐसा भी नहीं करेगा कि आपसे सिर्फ स्ट्रेटेजी पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं करेगा कि मतलब कि वो उलझाने के, अगर जो बच्चे इसमें 25 से 30 क्वेश्चन कर रहे तो बाकी 20 के आसपास छोड़ के भी आएंगे, क्योंकि वो उनसे हिलेंगे ही नहीं, और अगर जो क्वेश्चन उनसे हिलेंगे ही नहीं और उनमें से आप 2-3 भी कर रहे हैं तो आप ये 2-3 क्वेश्चन के दम पे सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम लोगों की सेम होती है, मैथ इसमें ज़्यादा हार्ड आती नहीं है। चलो कैलकुलेटिव आ भी रहता होगा, लगता है SSC वाले बच्चे इसमें बैठेंगे नहीं, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रीजनिंग मैथ कर ही लेंगे, ओवरऑल जो तीसरा सेक्शन है GK का इसमें ही डामाडोल होगा,
और अगर जो इसको आप किसी ना किसी तरीके से कवर कर जाते हैं तो ये जॉब आपकी पक्की। मेरी विशेष आपके साथ है, आप अच्छे पेपर देंगे, बाकी बने ही रहें हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।